विकास दुबे, ये नाम ऐसा है जो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया है। बच्चा बच्चा विकास दुबे की करतूत से थर्रा रहा है, खौफ खा रहा है। लेकिन बिकरू गांव और आसपास के लोगों के लिए ये नाम या विकास दुबे की दहशत नई नहीं है। उसका खौफ ऐसा था कि विकास दुबे की इजाजत के बिना कोई पानी भी नहीं पी सकता था। फैक्ट्रियां उसे बिना बोले चंदा पहुंचाती थी और उसका नाम लेने भर से बसों में किराया नहीं लिया जाता था। मिली जानकारी के मुताबिक हर फैक्ट्री विकास दुबे को चढ़ावा भेजा करती थी। जीटी रोड के किनारे बसे चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 400 फैक्ट्रियां हैं। उनमें से नामी फैक्ट्रियां उसे सालाना चंदा दिया करती थी। विवादास्पद संपत्ति खरीद कर भी विकास कमाई किया करता था। इलाके में किसी भी संपत्ति की खरीद फरोख्त पर लोगों को विकास को टैक्स देना पड़ता था। वहीं विकास के आसपास रहने वाले लोगों से जुटाई गई जानकारी से पता चला है कि जब तक गांव में नल नहीं थे तब तक लोग विकास के घर के पास बने कुएं से पानी भरने आते थे, जिसके लिए उन्हें विकास की बाकायदा इजाजत लेनी पड़ती थी। इजाजत नहीं लेने पर बेरहमी से पिटाई किया करता था विकास दुबे। प्राइवेट बसों में विकास का नाम चलता था, कई बस स्टैंड उसके गुर्गे चलाते थे। एक ग्रामीण के मुताबिक गाँव के भोले भाले युवकों के नाम पर विकास असलहों का लाइसेंस लेता था। वहीं ट्रकों से माल लूटना तो विकास का बाएं हाथ का खेल हुआ करता था। नेताओं के संरक्षण में लूट का माल मसलन आलू और तेल के टिन बिकरू गांव में बचते थे। यही वजह है कि बिकरू गांव में कोई भी विकास का विरोधी नहीं है। माना जाता है कि साल 1990 में अपने पिता को खो देने का बदला लेने के लिए पास के गाँव डिब्बा नवादा गाँव में घुस कर विकास ने लोगों की पिटाई की थी। 90 के दशक में ही नेताओं के संरक्षण में विकास ने बुलेट गैंग बनाई। बुलेट पर सवार होकर विकास ने नौजवानों को छोटे मोटे अपराध करना सिखाया, जिसके बाद से वो जुर्म की दुनिया में आगे ही बढ़ता गया और सबका मुखिया बन गया। ग्रामीणों से मिली जानकारी से पता चला है कि साल 1992 में गांव में सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, जिसमें विकास ने इस कदर कहर बरपाया था कि कई लोग अपनी याददाश्त खो बैठे थे, कई सदमे में मारे गए, तो कुछ बुजुर्ग आज भी गाँव में मौजूद है लेकिन विकास से थर्राते हैं। सुर्खियों में रहने का शौक रखने वाले विकास दुबे को कोई पुलिस या अदालत छू भी नहीं सकती थी। विकास खुद में ही पुलिस था और अदालत थी। मामूली सी बात पर ही बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को विकास बेरहमी से पीटता था। ऐसा था विकास दुबे का खौफ, जिसने जब आज पुलिसकर्मियों को मार डाला तो ना प्रशासन कुछ बोल पाया, ना आसपास के लोग और ना ही जनता। पिछले करीब 3 दशक में विकास का जो मन हुआ वो उसने किया और अब भी वारदात को हुए करीब 3 दिन हो गए, लेकिन अब भी पुलिस के हाथ खाली है और विकास दुबे खुला घूम रहा है।